हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था स्लेश एन को, स्लेश टी को, स्लेश बी को, और आज हम देखेंगे स्लेश आर। स्लेश आर को हम बोलते हैं कैरेज, कैरेज रिटर्न कैरेक्टर, कैरेज रिटर्न कैरेक्टर, और इसको एंटर भी कहा जाता है, कैरेज रिटर्न कैरेक्टर या फिर एंटर। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं स्लेश आर को। तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ को यूज़ किया। प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। अब हेलो लिखेंगे तो अगर हम केवल इतना लिखेंगे तो आउटपुट में हेलो आएगा और कर्सर इससे एक पोजीशन आगे रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे स्लेश आर यूज़ कर लूँ, मैंने स्लेश आर को यूज़ किया, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हेलो आएगा और हेलो के बाद जो कर्सर है वो वापस चले जाएगा पहली पोजीशन पे। तो स्लेश आर का काम है कर्सर को पहली पोजीशन पे शिफ्ट करना। ठीक है, स्लेश आर भी एक स्केप सीक्वेंस है जिसका वर्क है कर्सर को पहली पोजीशन पे शिफ्ट करना। और अब अगर मैं लिखता हूँ हेलो स्लेश आर और मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हेलो आएगा, स्लेश आर से कर्सर पहली पोजीशन पे जाएगा, फिर यूज़र। अब जहाँ कर्सर होता है आपको पता है वहीं से टाइप होना स्टार्ट होता है। तो H की जगह पे U, S, E की जगह पे S, L की जगह पे E और L की जगह पे R, और O तो पहले से लिखा था, तो इसका आउटपुट रहेगा यूज़र और O। ठीक है, और कर्सर O पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्लेश R से कर्सर को हम करते हैं पहली पोजीशन पे शिफ्ट। आई होप कि ये पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।